मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खिलचीपुर से 30 किलोमीटर दूर ठेरखेड़ी पंचायत के गोवर्धनपुरा गांव के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से बारिश और सर्दी में अपनी जान जोखिम में डालकर खाल पार कर 1 किलोमीटर ठेरखेड़ी होते हुए खिलचीपुर आते हैं। वहीं 600 लोगों की आबादी के गांव में छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर खाल के बहते पानी में एक दूसरे का हाथ थामकर खेरखेड़ी और पबडेल स्कूल जाते हैं। इस दौरान जहां छात्र छात्राओं को बहने का डर रहता है, वहीं इनके कपड़े भी भीग जाते हैं। वहीं बीमार और डिलीवरी वाली महिलाओं को तो खाट पर डालकर बहते पानी के बीच ले जाना पड़ता है। प्रतिदिन बारिश और सर्दी के 4 माह के मौसम में खाल उफान पर रहता है और लोगों को इसी खाल से होकर गुजरना पड़ता है। गांव वासियों ने वर्षों से इस खाल पर पुलिया बनाने की मांग कई बार जनप्रतिनिधियों के समक्ष रख चुके हैं। हर बार उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन दिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन विधायक अमर सिंह यादव ने यहाँ पर पीलिया खाल पुलिया का लगभग 36 लाख लागत का शिलान्यास किया था। आज 13 माह बीत जाने के बावजूद पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। वहीं वर्तमान विधायक बापू सिंह तंवर ने कहा कि यहां बड़ी समस्या है। पूर्व की बीजेपी सरकार ने इसका शिलान्यास किया था, जबकि इस पुलिया की कोई स्वीकृति ही नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए शिलान्यास पट्टिका लगाई गई थी। मेरे पास आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गांव वासियों ने शिलान्यास पट्टिका लगाकर मुझे और कलेक्टर को दिखाई थी। मैंने विभाग से पता किया तो यह पुलिया के निर्माण की कोई स्वीकृति विभाग से नहीं हुई थी, पर अब मैंने विभाग के अधिकारियों को बोला है कि इस पुलिया की DPR बनाओ, मैं सरकार से स्वीकृत करवाऊँगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खेरखेड़ी गांव में टूट गया था, मैंने देखा, वास्तव में उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और पहले की सरकार ने और पूर्व विधायक उन लोगों ने उसका भूमि पूजन किया था, और उन्होंने बन रही और देखा पुलिया तो कोई बनी नहीं। हमने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रखा था उस क्षेत्र में, वहाँ पर वहाँ के ग्रामीण जन उस पत्थर को लेके आए थे कि ये हमारा भूमि पूजन करा था, लेकिन पुलिया नहीं बनी। मैंने उसकी पूरा दिखवाया तो वो पुलिया स्वीकृति नहीं हुई। वैसे ही वोट कमाने के लिए उन्होंने छोटा मोटा उसका भूमि पूजन कर दिया और उसके बाद उसका निर्माण कार्य हुआ नहीं। इससे ग्रामीण ज़्यादा दुखी है कि आखिर हमारे साथ ऐसा चला हुआ क्यों। हमने पूरा पता लगा के हम निर्देश दिए हैं कि इसका DPR बना के और इसको शासन को भेजें, इसको जल्द से जल्द स्वीकृत करा के और उसके बाद इसका काम चालू करवाएंगे। इस प्रकार से RES जी को बोला है वो इस पर। क्या नाम आपका? राम किशन। कौन से गांव के आप? गोवर्धनपुरा। अच्छा ये बताओ, ये गोवर्धनपुरा में ये जो नाला बहता है, यहाँ पुलिया निर्माण होना था जो नहीं हो पाया, क्या मामला है पूरा? अब आप शासन जाना है, अपने कहीं पता होने। ये जो शिलान्यास करा हुआ है, जो 23/9/2018 में जो शिलान्यास हुआ था, ये शिलान्यास आप क्या रखा हुआ? हाँ। कब से रखा हुआ? अमर सिंह आया जहीं से, यही दरिया। अच्छा, अमर सिंह लाया इसे। ये पत्थर को शिलान्यास नहीं किया, वहाँ नहीं लगाया, भी नहीं करी। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।